कल हम लोगों ने पॉलिनोमियल को स्टार्ट कर दिया था और पॉलिनोमियल में अपनी एक्सरसाइज 2.1 भी कल प्रारंभ हो गई थी, जिसमें कुछ जो है क्वेश्चन दिए गए थे ग्राफ से रिलेटेड, और हमें ये बताना था कि वो क्वेश्चन में वो ग्राफ जो है हमारे कितने जीरोज को शो कर रहा है। इसलिए अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और जो कि कल मैंने क्वेश्चन एक स्टार्ट कर दिया था और बारी आज है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली गिवन। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1/4, और प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा इज गिवन है -1। कल एक रिलेशन हमने निकाला था, वो रिलेशन ये था कि x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है दो जीरोज का सम भी दिया गया है, दो जीरोज का प्रोडक्ट भी दिया गया है, और वी हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हम यहां देख रहे हैं ये वैल्यू सम की होती है, ये वैल्यू प्रोडक्ट की होती है, इन दोनों जगह पर इन दोनों वैल्यूज को हम रखते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस -1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 1/4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट हम सबका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो गया 4, हियर इज 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने हमें मिल गया है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल अगर देना है तो बस हमें करना कुछ नहीं है, इस px को 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, और 0 लिखने के पीछे हेतु सिर्फ इतना है कि इस इक्वेशन से हम जो है सॉल्व करके जीरोस को फाइंड कर रहे हैं। तो हमारा पॉलीनोमियल हो गया ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस का 1। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसका सेकेंड पार्ट आपके लिए होमवर्क होगा, स्टार्ट करते हैं इसके थर्ड पार्ट वेयर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 5। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 0 एक्स प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 0, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने देखा कि किस प्रकार से अगर हमें जो है जीरोस का सम दिया गया है और हमने जो है जीरोस का प्रोडक्ट, वन मिस्टेक हियर स्टूडेंट्स टेकिंग एलसीएम, दिस इज अ 4 दिस इज 4, सो नाउ इन दिस एक्सरसाइज देयर इज अ फोर्थ पोर्शन। एक बार फिर से ध्यान दें, यहां एलसीएम लेते समय 4 छूट गया था, यहां 4 बना लेंगे। ये इक्वेशन हमारे पास ये है, इसके बाद दूसरी इक्वेशन ये है, तीसरी इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 1/4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0, एलसीएम 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0,
पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज गिवन। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो इसके पार्ट थे, रिमेनिंग पार्ट थे, उन सभी पार्ट्स को भी हमने जो है यहाँ पर बारी बारी से सॉल्व कर दिया, और इसके बाद जो है हमने इन सभी को आपके सामने इसे बना दिया। अब स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं।